पीलीभीत में दलित समाज की बेटी की धूमधाम से शादी के बाद उसे हेलीकॉप्टर से विदा किया गया। दलित समाज की बेटी की शादी में आए हेलीकॉप्टर को देख दूल्हा दुल्हन व हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेते लोग नजर आए। वहीं दुल्हन का इस अनोखे अंदाज में विदाई को लेकर पिता ने अपने सपने को साकार करने की बात कहते हुए नजर आए। पीलीभीत जिले के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र निवासी मनोज कुमार रेलवे में नौकरी करते हैं। उनकी बेटी सिप्रा का विवाह कल सम्राट जिले के बैजोई कस्बे के रहने वाले शिवम राजोनिया से पारंपरिक ढंग से संपन्न होने के बाद शुक्रवार को दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई, जिसको लेकर दुल्हन के पिता का कहना है कि उनका सपना था कि उनकी बेटी की शादी में वे हेलीकॉप्टर से विदाई करेंगे, जो कि उनका सपना आज पूरा हुआ। उनकी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हो गई है। वहीं जिले में दलित समाज से पहली लड़की को हेलीकॉप्टर से विदाई का चर्चा का विषय बना हुआ है। दूल्हा दुल्हन की इस विदाई के समय लोग हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस सुरक्षा व लोक निर्माण विभाग की तमाम व्यवस्थाओं के बीच दुल्हन अपने ससुराल विदा हो गई है। आइए देखते हैं क्या कहना है दूल्हा दुल्हन व परिवार जनों का। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। हेलीकॉप्टर से आज अपनी दुल्हन की विदाई कराने आए हैं पीलीभीत से, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बार मेरे पिताजी ने काफ़ी टाइम पहले एक हेलीकॉप्टर को लैंड होते हुए देखा था, तो मेरे पिताजी उस टाइम सड़क से जा रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम सोचा था कि भविष्य में मैं भी यही करूँगा, तो आज वो दिन आया है और आज मेरे पिताजी ने ये सपना पूरा किया है ऐसा करके। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देख रहे हैं क्रेज कल्चर के हिसाब से क्रेज बढ़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के बीच, क्या संदेश? सर किस कल्चर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का तो सपना है, मैं उसके लिए बस ये आया है, वरना सर हमारा कोई कल्चर या मतलब उससे कोई VIP लेवल का ऐसा कुछ मतलब मकसद नहीं है, बस एक सब। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आज आपकी बेटी जो है वो हेलीकॉप्टर से दुल्हन विदा होकर जा रही है अपने ससुराल, क्या कहना है, क्या समाज को मैसेज देंगे? समाज को मैसेज क्या देना, हमारे समाज का इसमें नाम है, गर्व है हमारे समाज को, और हम तो सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी तरह से कार्य करें। पहली बार दलित समाज की बेटी हेलीकॉप्टर से विदा होके जा रही है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खुशियाँ उसको जो मिले, ऊपर वाले के आशीर्वाद से इनका घर परिवार पूरे खुशी से अपने बिताएं। अब जो बड़े पापा कुछ बोलेंगे दोस्त। मेरा नाम तो राजेश शुक्ला है। राजेश जी, आज जो है आपकी भतीजी जा रही है हेलीकॉप्टर से विदा होकर अपने ससुराल, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये पीलीभीत जनपद के लिए बहुत ही फख्र की बात है, और हमारे भाई मनोज कुमार जी हैं, वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं, और ये पहली बार इतिहास में हो रहा है, पीलीभीत में पहली बार वाल्मीकि समाज की एक बेटी हेलीकॉप्टर से जा रही, ये वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए, पीलीभीत जनपद के लिए बहुत फख्र की बात है कि एक पीलीभीत की बेटी हमारी जो है बहजोई यहाँ से विदा होकर बहजोई जा रही है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ उसके लिए कि उसका जीवन और खुशमय तरीके से आगे हो और फरे फूले और आगे बढ़े। मैसेज मेरा यही है कि हम जितने भी सब लोग हैं ये बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्षित हैं कि आज पहली बार ये समय आया है कि हमारी जो भतीजी है और मनोज बाबू जी की बेटी है वो हेलीकॉप्टर से पीलीभीत विदा होकर जा रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा गौरव की बात पीलीभीत जनपद के लिए नहीं होने वाली है, और इस खुशी के आगे मुझे लगता है कि कुछ कहना और सब जो है बहुत जो बातें बहुत छोटी पड़ जाती हैं।